तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे पंचेस जो कि एक आदमी को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, किसी को भी ये पांच पंच आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी अगर मैच अगर जीतना है तो गाइस ये पंचेस को आप ज़रूर से सीखें, क्योंकि गाइस इन्हीं पंचेस से आप कोई भी मैच को आसानी से जीत सकते हो। गाइस, आप बहुत से जगह पे किक्स नहीं कर सकते हो, आपको पंच ही करना होता है। तो गाइस इन पांच पंचेस को आप ज़रूर से ध्यान से देखें और सीखें, और अगर आपको ये नहीं आए तो आप नीचे मुझे कमेंट करें। और गाइस आपको किक के साथ साथ अपने पंच को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच पंचेस। सो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज टाइगर ली। अब ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को इंश्योर करते, लेट्स बिगिन। Dream, believe in strength. Now I'm the only one. वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक आप लोग से क्वेश्चन करना है, क्योंकि गाइज बहुत से मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। सो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक इंस्टाग्राम आईडी बनाऊँ आप लोग के लिए, जिस पे कि आप हम दोनों को ही हम लोग यानी आप और मैं एक दूसरे में हम लोग जो कम्युनिकेट कर सके। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम आईडी बनाऊँ और उसका लिंक मैं आप लोग से शेयर करूँ, सो प्लीज़ गाइज नीचे जाकर के आप कमेंट कीजिए, अपना बताइए कि आप लोग चाहते हो कि नहीं। बस गाइज अगर मुझे 10 कमेंट भी अगर अच्छे आ गए पॉजिटिव में, सो मैं बना दूंगा। जो पंच नंबर वन आता है वो है हमारा जैब, ठीक है। सो जैब होता है कैसे, आपको आपका जो भी आगे वाला जो लेग होता है और आगे वाला हाथ यानी कि इसमें मेरा आगे वाला हैंड कौन सा है, ये वाला। सो ये हो गया आपका जैब, ठीक है। जैब गाइस कोई भी पंच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पंच हमेशा इस तरह से बनाया जाता है, आपको ना ही इसको अंदर ऐसे रखा जाता है, ठीक है, और ना ही इसको यहाँ पे। आपको हमेशा ऐसे पहले टोटल फिंगर को लॉक कर लेना है, उसके बाद थंब को ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा पंच, किस तरह से आपको बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इस तरह से करना है, ये आगे जाएगा, और गाइज ये दोनों नकल्स पे आपको जो है फोकस करना है, और यही दो नकल्स से आपको जो है हिट भी करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका आगे वाला कौन सा है अभी, ये वाला। सो ये हो गया हम लोग का जैब। जैब होता है गाइज डायरेक्ट आपको अपने स्ट्रेट ऐसे मारना होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी को आप जो स्पीड में करिए और ये ऐसा अच्छे से होने लगेगा, ठीक है गाइस। सो ये था हमारा पंच नंबर वन जो कि था हमारा जैब। सो गाइस जब हमारा जो पंच नंबर टू आता है वो है हमारा क्रॉस। सो क्रॉस जो होता है गाइस जैब के अपोजिट वाला होता है, जैसे कि इसमें हमारा जैब है आगे वाला, ठीक है, तो हमारा पीछे वाला जो होगा वो होगा हमारा क्रॉस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जैब और ये हो गया हम लोग का क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। सो ये था हमारा पंच नंबर टू क्रॉस। क्रॉस आपको क्या करना है, आप जब भी क्रॉस देंगे तो आपको अपने शोल्डर से अपने जॉ को कवर करना है, कुछ इस तरह से ये, और ऐसे पूरा कवर कर लेना है कि ताकि कोई अगर पंच उधर से आए तो आपके जॉ को ना लगे। तो हमारा क्रॉस, ठीक है, ये हो गया हमारा जैब आगे वाला और पीछे वाला हमारा क्रॉस। गाइज आप लेग भी देख सकते हो, आपका आगे वाला जो लेग होता है वो होता है आपका जैब, ठीक है। आगे वाला लेग के जो सामने जो ऊपर जो होता है पंच वो होता है हम लोग का जैब, और जो पीछे वाले लेग के ऊपर जो होता है वो होता है हमारा क्रॉस। ये अगर हम लोग इस साइड से करते हैं तो ये वाला हो गया हम लोग का जैब और ये हो गया हम लोग का क्रॉस, ठीक है, जैब एंड क्रॉस, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा पंच नंबर टू क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। गाइज अब हमारा जो पंच नंबर थ्री आता है वो है हमारा हुक, ठीक है। सो हुक कैसे होता है, आपको सिंपली ऐसे खड़े हो जाना है, कोई नहीं गाइज, ये जैब ये क्रॉस, आपका जो आगे वाला होगा वो होगा लीडिंग हुक, ठीक है, आगे वाला यानी जैब, उससे अगर आप अगर हुक को मारते हो सो वो हो जाएगा हमारा लीडिंग हुक, कुछ इस तरह से आपका हुक इस तरह से लगता है, ये ऐसे मुड़ता है एंड देन ये क्रॉस करके ऐसे फेस पे जाता है, ये ऐसे क्रॉस करके फेस पे, ऐसे क्रॉस करके फेस पे, ठीक है। और ये देखिए अभी भी लीडिंग में अब ये आ गया, सो लीडिंग हुक, हुक, हुक,
अब इधर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, हुक हुक गाइज, ये हो गया हमारा लीडिंग हुक, और ये हो गया हम लोग का नॉन लीडिंग हुक, यानी कि क्रॉस से अगर हम लोग हुक अगर देते हैं तो वो नॉन लीडिंग कहलाएगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। तो इधर से ठीक है, तो गाइज ये था हमारा पंच नंबर 3 हुक। गाइज अब हमारा जो पंच नंबर 4 आता है वो है हमारा अपर कट, ठीक है। सो अपर कट होता कैसे, अपर कट आपको सिंपली आपका लीडिंग वाला वही सेम चीज़ है जैसे हम लोग हुक में हम लोगों ने सीखा, जैब, जैब से अगर हम लोग अपर कट अगर हम लोग देते हैं सो वो हो जाएगा हमारा लीडिंग अपर कट, ठीक है। कुछ इस तरह से अपर कट होता क्या है, ये नीचे जाता है एंड देन अप, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और नॉन लीडिंग यानी कि आपका क्रॉस वाला, ठीक है। आप जो अपर कट जो आप कोशिश करो कि आप नॉन लीडिंग ही से करो कि क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स से लगेगा, कुछ इस तरह से पूरा आपको टाइमिंग मिलता है। ठीक है एक बार इधर से, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का पंच नंबर 4 अपर कट। गाइस अब हमारा जो पंच नंबर 5 आता है वो है हम लोग का ओवरहेड, जो कि कुछ इस तरह से होता है, पूरे ऊपर से जाता है, ठीक है, ऐसे बूम बूम। इधर से एक बार देख लेते हैं, ये गाइस आप दोनों से कर सकते हो, जैब वाले हैंड से भी, क्रॉस वाले हैंड से भी, ऐसे बूम बूम बूम। ओके फिर से देखते हैं बूम, इसको हम लोग को करना कैसे होता है गाइस, ये आपका जो भी हम लोग क्रॉस से सीखते हैं, ये ऊपर से जाएगा एंड डाउनवर्ड फ्लो करेगा, ठीक है, से जैब से भी वही, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है गाइस। ये जो 5 पंचेज है ना गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी मैच जीतने के लिए, क्योंकि गाइस भीड़ भड़क्का वाले एरिया में आप जो किक नहीं कर सकते हो सो आपको अपने पंच को ही यूज़ करना होगा, ये सबको आपको जो डेली अपने ट्रेन करना होगा, तभी गाइज आप अच्छे से मतलब कोई भी फाइट को जीत सकते हो। सो गाइज ये था हमारा 5 पंचेज। सो ऑलरेडी गाइज ये थे मेरे वो 5 पंचेज, उम्मीद है पंचेज आपको पसंद आए हो। गाइज इन पंचेज का जो आप अच्छे से आप जो रिहर्सल करो, क्योंकि गाइज ये जो 5 आपके जो पंचेज है गाइज कोई भी आपको मैच जिता सकता है, आपके स्ट्रीट फाइट, आपके अरीना फाइट, आपके कोई भी फाइट को। तो गाइज ये 5 पंचेज को आप अच्छे से रिहर्सल करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइज, इतना बार प्रैक्टिस करो कि बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाए। सो गाइज ये थे हमारे वो 5 पंचेज, और गाइज आप लोग ये जरूर से बताइएगा, क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट करूँ। तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँ आप लोग के लिए, जिससे कि मैं आप लोग से कॉन्टैक्ट कर सकूँ, तो गाइज़ नीचे आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि गाइज़ कॉन्टैक्ट करने का एक ही ज़रिया है वो इंस्टाग्राम, ठीक है। सो अगर आप लोग को लगे तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो ऑल इट गाइस ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर से कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो कुछ नहीं गाइस, लेकिन सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज टाइगर ली फॉर एक्शन लवर। सो ऑल राइट गाइज अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, सीरो को पहली बार देख रहे हो, तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि गाइज मेरा ड्रीम है आपको एक्शन सिखाना, आपको स्टंट सिखाना, आपको एक्शन हीरो बनाना। सो गाइज सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे मेरा लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और गाइज अगर आपको मेरा और भी वीडियोज देखना है तो आपको बगल में 2 वीडियोज दिख रहे होंगे, उस पर आप